स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ एट योर होम। सो आज हम करेंगे टेस्ट टाइम। ओके, अभी तक हमने हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हुआ, तो आज हम उसी के रिवाइज के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट टाइम। ओके, टेस्ट आप लोगों को देना है, आंसर देना है आपको। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मौखिक प्रश्न। ओके, ओरल क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है। ओके, मैं भी आपको बताऊंगी जो आपसे नहीं बनेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। का नंबर, गडरिया भेड़ों को कहाँ चराने जाता था? सो नाउ टेल मी आंसर, कहाँ ले जाता था गडरिया भेड़ों को चराने के लिए? यस, जंगल में। कहाँ ले जाता था गडरिया भेड़ों को? जंगल में चराने के लिए ले जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर खा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग को और किस नाम से जाना जाता है? सो नाउ टेल मी आंसर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग को और किस नाम से जाना जाता है? सो नाउ राइट आंसर इज यस, वेरी गुड। सो ऐसे किस नाम से जाना जाता है? भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थ्री, नंबर गा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म कब हुआ था? सो नाउ राइट आंसर इज टेल मी, यस राइट आंसर क्या है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को हुआ था। ओके, सो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरिए। ओके, रिक्त स्थान भरना है हमें। फर्स्ट दिया है का नंबर, गडरिया की आवाज सुनकर डैश आ गए। जब गडरिये ने चिल्लाया तो कौन कौन आ गए वहां से गडरिये की आवाज सुनकर? किसान। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? किसान। ओके, सो राइट आंसर क्या है? किसान। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म डैश में हुआ। सो टेल मी आंसर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म कहाँ हुआ था? यस, सोचिए सोचिए क्या आएगा आंसर। यस, वेरी गुड। कहाँ हुआ था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म? बम्बई में। ओके, सो यहाँ आएगा बम्बई। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर खा, विद्योत्मा राजा डैश की पुत्री थी। तो विद्योत्मा जो है वह किस राजा की पुत्री थी? टेल मी आंसर, आंसर बताइए, आपको आंसर पता है ना, तो बताइए जो विद्योत्मा थी वह किस राजा की पुत्री थी? बताइए आंसर, बताइए, आपने पढ़ा है ना चैप्टर, आपको पता है कि राजा किसकी पुत्री थी? विद्योत्मा राजा शरदानंद की पुत्री थी। ओके, विद्योत्मा राजा शरदानंद की पुत्री थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी मिलाना है आपको। एक साइड दिया देखिए, ईश्वर कालिदास गडरिया मजदूर और राजकुमारी। ओके, सो मैच करना है आपको। देखिए ईश्वर, यहाँ देखिए धूर्त, विद्योत्मा एक है, विद्वता और किसान। सो मैच कीजिए, करिए मैच। यहाँ पर देखिए ईश्वर क्या आएगा? यस, ईश्वर एक है, इससे मैच कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या है नंबर टू, कालिदास। तो कालिदास कौन थे? कालिदास की कौन सी चर्चा होती थी? यस, दिस इज राइट आंसर, विद्वता। ओके, कालिदास की विद्वता की चर्चा होती थी। ओके, नेक्स्ट है गडरिया। सो गडरिया तो क्या आएगा? गडरिया कौन था? यस, राइट आंसर इज धूर्त, धूर्त गडरिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर, मजदूर। तो मजदूर का क्या आएगा? मजदूर और कौन काम करते थे खेतों में? टेल मी आंसर, यस मजदूर और किसान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट मैच क्या है, मैचिंग करना है आपको, राजकुमारी। तो राजकुमारी का क्या नाम था? अब देखिए क्या बचा है इनमें से? यस, ये वाला बचा है। सो इसे मैच कीजिए, राजकुमारी
विद्योत्तमा। ओके सो ये मैचिंग हो गई, आपने कंप्लीट की मैचिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क, अभी जो हमने ये टेस्ट टाइम में किया है ना क्वेश्चन, इन्हें आप फिर से अच्छे से लर्न करेंगे, यदि आपको अच्छे से लर्न ना हो तो, जिसको लर्न नहीं होंगे तो वो अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।